असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान कर डाला है, जिसके चलते राज्य में आधार कार्ड के लिए नए आवेदकों को राज्य में अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा। यानी अब से जिन लोगों ने 2014 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC का हिस्सा बनने के लिए अप्लाई नहीं किया था, उन लोगों के आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। जानकारी मिली है कि असम सरकार ने ये फैसला तब लिया जब 3 मुस्लिम बहुल जिलों में आधार कार्ड के डेटा में गड़बड़ी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CM हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि असम के 3 जिलों धुबरी, बारपेटा और मोरी गांव में जारी किए गए आधार कार्डों की संख्या जिलों की अनुमानित आबादी से ज्यादा निकली। जब आंकड़ों की जांच की गई तो तीनों ही जिलों में 100% से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कथित तौर पर संदिग्ध विदेशियों ने भी इन जिलों में आधार कार्ड का इस्तेमाल किया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने भविष्य में आधार कार्ड जारी करने के लिए एक प्रोटोकॉल जारी करने का फैसला लिया है, जिसके चलते आधार कार्ड के लिए हर किसी को अपना NRC एप्लीकेशन नंबर देना जरूरी होगा, वही नंबर जो उन्हें 2015 में अप्लाई करते समय दिया गया होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि NRC को अपडेट करने की प्रक्रिया 2015 में शुरू हुई थी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आवेदक 24 मार्च 1971 से पहले राज्य में आया था या उसके बाद। उस तारीख से पहले असम में आने वालों को ही NRC में शामिल किया जाना था और नागरिक के तौर पर मान्यता दी जानी थी, बाकियों को राज्य की विदेशी न्यायाधिकरण प्रणाली में मुकदमे का सामना करना पड़ा। वहीं CM ने बताया कि नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और इसके लिए कठिन SOP जारी की जाएगी। खैर, इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।